सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय डू चैनल वीके डू व्लॉग्स। सो गाइस, आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे। सुबह भाई मॉर्निंग में निकल चुके हैं बेताल को लेके भाई करोलबाग की साइड नए वाला, क्योंकि इसके अंदर भाई हम कुछ करवाने वाला, छोटा सा मॉडिफिकेशन है। बट भाई काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि ये वाला अपने को मॉडिफिकेशन करवाना ही करवाना। फाइनल गाइस आज वो दिन आ गया जब जा रहे हैं बेताल में फाइनली इंस्टॉल करवा ही देंगे, तो आपको दिखाऊंगा चलो पहुंचने वाले थोड़ी देर में कि क्या हम इसके अंदर मोड्स करवाने वाले हैं। काफी गाइस छोटा सा लेकिन काम की चीज है भाई, अगर वो स्लाइड व्लाइड गिरेंगे भी ना काफी अच्छा अपने को प्रोटेक्ट करेगा गाड़ी को, प्लस देखने में भाई काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो हम जा रहे हैं इस नाई वालन में, इसके फ्रंट का जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर आता है एक फॉक्स स्लाइडर ऐसे बोलते हैं, आपको अगर पता होगा तो आइडिया हो जाएगा, वरना मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई वो लगवाएंगे दोनों साइड, मेरे हिसाब से भाई गोल्डन ठीक लगे यार। देखो कल मैंने पॉलिश की थी, क्या अभी भी चमक रही है, तो पॉलिश का वर्थ इट है भाई 20 रुपये में। ये ना इसका बार बार ढीला आता है और एक वाला तो खो ही गया। गाइस आप लोग भाई पूछ रहे थे बेताल में वो जो इंजन का साउंड आता था हाई स्पीड में ड्राइविंग करने पे, मतलब चींची की आवाज़ आती है, मुझे पता है वो गया या नहीं गया। तो अभी तक तो भाई नहीं गया क्योंकि गाइस हमने सर्विस नहीं करवाई थी इसकी, तो साउंड भी अभी नहीं गया। बट फाइनली गाइस मैं सोच रहा हूँ कल इसकी सर्विस करवा देते, कल मेरा वीक ऑफ है थर्सडे, तो कल इसके लिए टाइम निकालेंगे, देन इसको सर्विस पे देकर आएंगे। तो भाई कल इसकी सर्विस में भी हो जाएगी, ट्राई करेंगे गाइस बस कि इसका भाई साउंड का प्रॉब्लम इंजन का चले जाए अपना। फाइनली भाई पहुंच चुके भाई नाई वालन, क्या तगड़ा ब्रेक मारा है, सीट काफी फिसल ली है, हमने तो इसकी पॉलिश कर दी ना भाई। ब्रेक मारते ही भाई मोहित भाई बिल्कुल पीछे आ रहे हैं, मोहित भाई को बिठा रखा है। तो नाई वालन है आज भाई खुला क्योंकि रहता है मंडे को बंद सिर्फ, तो भाई तगड़ी तगड़ी बाइकें दिखने वाली है। और मॉडिफिकेशन कल मैंने बताया क्या देखा, कल भाई साहब एरोक्स देखी थी फुली मॉडिफाई, अरे वहीं पे एसकेडी या फिर वो था रोमी मोटर्स, इतनी ज्यादा भाई लोड कर रखी, फॉक्स डलवा रखे, तो भाई गोल्डन वाले पता नहीं क्या क्या लगवा रहा था बंदा। कल गाइस हमने भाई एरोक्स देखी, दिखा ना ये थी ना शायद, शायद ऐसी थी, हाँ यही वाली कर रहा था। देखो ये वाली एरोक्स भाई इतनी ज्यादा मॉडिफाई कर दी ना बंदे ने, कल मैं देखा था मैं सामने हो रही थी भाई, फॉक्स स्लाइडर से लगा सब कुछ डाल दिया इसके अंदर भाई। देखते भाई बेताल में अपने फॉक्स स्लाइडर लगवाते हैं, कौन सा कलर का मिलता है, कितना बड़ा मिलता है, थोड़ा बड़ा मिल जाए तो ज्यादा प्रोटेक्शन बनेगा। ये भाई एसकेडी कहाँ से देखे मोहित भाई, कहाँ से देखे, एक बार बुलेट राइडर पता कर लो है ना, अगर मिलता तो ठीक है, वरना फिर एसकेडी वरना रोमी मोटर्स पे जाके देख लेंगे ऊपर, और खुद ला के ले आएंगे। R15 चक्करों के टी एम क्या बोलते हो, NS बेच के R15 लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये भी बताना, या फिर कोई और बाइक सजेशन में आपके होगी भाई NS आप निकाल दो देन आप ये वाली बाइक खरीद लो। तो आप लोग भाई सजेशन दे सकते हो कि NS बेच के हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए, अगर आप लोग का सजेशन सही लगेगा रिस्पॉन्स तगड़ा आएगा तो हम सोच सकते हैं, बेचने का भी नहीं पता, सोच सकते हैं कि हाँ भाई बेच के हम ये ले सकते हैं। अभी तो भाई 12 बजे लगभग 12:30 इतना ज़्यादा भीड़ हो गया, जैसे जैसा सामान लगता है ना ये वाला मैं क्या तगड़ा भीड़ होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक बार पता कर लेते हैं या नहीं है, फुल सिस्टम में बैठे भाई। A few moments later. Finally भाई हमने फॉक्स स्लाइडर ले लिए भाई, इतने महंगे महंगे फॉक्स स्लाइडर थे, बट ठीक है अपने हमने रेंज के लिए और वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, गोल्डन प्लस ब्लैक में है तो काफ़ी मस्त लगने वाला है। और अपने को पड़ा है भाई वो 350 रुपये एग्जैक्ट, 350 से भाई 1 रुपये भी कम नहीं किया, सबसे बेस्ट वाला था 1300 रुपये, वरना 1100 रुपये का उसका प्राइस है, बट वो सबसे अच्छा था। भाई इतना महंगा भाई फॉक्स लाइट अपने को पड़ता नहीं सही, तो इसलिए भाई हमने सिर्फ से अच्छा वाला भाई फाइनल किया है 350 वाला, वो भी काफी अच्छा लगेगा बेताल के अंदर इंस्टॉल कर देगा, अभी हमने नहीं किया, इंस्टॉल करने के अलग से पैसे लगते हैं। अभी गाइस हम खुद जा रहे हैं भाई मोहित भाई के घर पे, वहीं पे जाके खुद ही से अपना फिक्स आउट उसको कर देंगे, करना कुछ नहीं है बस गाइस उसको कस देना दोनों साइड से, फिक्स आउट आराम से हो जाएगा। पहुंचते घर पे फिक्स करते देन आपको दिखाऊंगा भाई कैसा लुक आता है बेताल के ऊपर, जो फ्रंट में सस्पेंशन में दोनों साइड लगेंगे ना फॉक्स लाइट काफी तगड़ा लगने वाला है। फाइनली पहुंच चुका भाई मोहित भाई के इधर शॉप पे, और ये देखो भाई मोहित भाई खुद से करना स्टार्ट कर चुके हैं, पाना मारो पाना, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कौन सा हम फॉक्स लाइट खरीद के लाया है। तो गोल्डन और ब्लैक में है जो कि भाई ये रहा अपना, खोलो खोलो टाइट होगा कंपनी का फिटिंग हो, तो गाइस ये चेक करो भाई फॉक्स लाइट जो कि गोल्डन प्लस ब्लैक में है, ये लगने वाला अपना यहाँ पे, जहाँ मोहित भाई खोल ले, खोलो खोलो खुल्ला हल्का सा बस, वैसे जब लग जाएगा भाई काफी अच्छा इससे लुक आएगा। एंड इसी का कॉस्ट अपने को पड़ा था कितना, 350 रुपये, हाँ 350 का अपने को पड़ा है, तो सबसे कम प्राइस वाला यही था और देखने में भी अच्छा है। एक R15 वाला था वो था अपना ब्लैक में प्लस रेड में, तो ब्लैक रेड में को उतना सही नहीं लगा, प्लस वो लंबा था, बट ये काफ़ी हल्के है। और ये देखो भाई लुक में कितने सही लग रहे गोल्डन में, और ऐसा आपको इस साइड से देखेगा प्लस इस साइड से कुछ ऐसा लुक आया, कुछ नहीं करता इसके अंदर, बस इसको खोलना दोनों साइड से, देन इसको लगाने के बाद वापस इस नट को कस देना अच्छे से टाइट से, अपना फिक्स आउट हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। बट ये इसको खोलने के लिए आपको टूल चाहिए होगा, तो ये मैकेनिक का दुकान पर होगा, और हम भाई उधर ही आए शॉप पे, देखो तो सही साइड अपना ही भाई है। तो ये लो भाई एक साइड का खुल चुका है,
अच्छा निकालना पड़ता है क्या इसको? दूसरी साइड से देखो कुछ ऐसा होगा। तो भाई ये पूरा का पूरा गाइस अपने टायर के भाई जो रोड होता है एक्सल बोलते हुए भी यही पूरा बाहर आ गया। एक साइड से चलो लगा जो टायर वायर होता है भाई वो बिल्कुल भी मत निकालना, जस्ट निकालना है से एज इट इज बिल्कुल निकाल देना है। आप टायर निकाल के अलग करो, डिसलॉक अलग करो, एरा वार्सल इसका एरा। तो बस आपको सिंपली निकालना है एज इट इज जैसा था वैसे लगा देना है, छेड़खानी इसमें नहीं करना क्योंकि भाई कंपनी की फिटिंग थी तो कंपनी की फिटिंग का कोई नुकसान नहीं होगा ऐसे। और अपना भाई जो इंस्टॉलेशन था वो भी सिंपल एंड इजी वे में लग जाएगा। तो अभी देखो भाई सिर्फ एक लगा तो इतना सही लुक आ रहा है, जब इसको लगा देंगे तो गोल्डन में क्या तगड़ा लगने वाला भी है। साइड को सही से टाइट करना है अच्छे से, देन अपना फिक्स आउट गाइज हो गया। इंस्टॉलेशन देखो कितना इजी था, बस इसको कस देना है आपका फिक्स हो गया। तो इतना इजी था भाई अपना इसको लगाना, बस ये कोई खोल के ना ले जाए, अगर कोई खोल के ले जाएगा आराम से क्योंकि भाई ये घुमाने वाला, कोई खोल के लेगा ना गाइज तो अपना ले जाएगा, बट ठीक है भाई कोई खोलेगा नहीं, उम्मीद है कोई खोलेगा नहीं, खोल भी लेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी देखो एक साइड का इंस्टॉल हो गया, क्या तगड़ा लुक दे रहा है इस साइड से, गोल्डन है ना। तो ठीक है प्रोटेक्शन तो करेगा हल्का मलका, प्रोटेक्शन तो कमी है लेकिन लुक वाइज काफ़ी तगड़ा लगने वाला है। देखो एक साइड से आप इस साइड से देखो एंड मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता, देखो तो काफ़ी बाहर दिख रहा है इस साइड से। तो भाई कुछ ज़्यादा तगड़ा लुक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्क ब्रेक है प्लस कैलिपर इसके गोल्डन कलर के और यहाँ पे गोल्डन है तो काफ़ी मैचिंग करी ना। मोटुल का जो स्टिकर है तो भाई इस साइड वाला जो इसका एरिया है फ्रंट टायर का भाई कितना ज़्यादा हैवी लग रहा है प्लस भरा भरा लग रहा, तो अब बेताल का लुक इंक्रीज हुआ, हल्का सा काम था बट लुक वाइज में ओवरऑल काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली था। अभी कुछ ऐसा लुक है बेताल का 350 में। चलो बेताल के ऊपर एक और मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे डन करवा दिया भाई, सामने से लुक देखो बेताल का किस तरीके से लग रहा, मतलब फ्रंट से तो भाई इसका टायर मिल गया था हाईलाइट अब होने लगा जो कि गोल्डन कलर का है, ये चेक करो भाई बहुत ही ज्यादा भाई खतरनाक लुक दे रहा बेताल का अब। चलो ये वाला जो मेरे माइंड में था ये वाला मॉडिफिकेशन काफी छोटा है लेकिन इसको लगवा के ना गाइस पर्सनली भाई मुझे काफी अच्छा लग रहा जो कि इतना हैवी लुक दे रहा है वाला मॉडिफिकेशन, आप बोल सकते हो भाई काफी सिंपल है एंड लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ ज्यादा ओवर करवा दिए, आई नो कि आप लोगों को ज्यादा ओवर पसंद नहीं आता मॉडिफाई और मैं भी नहीं करवाता, तो ये काफी सिंपल है छोटा है और लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहा है, तो इसको मैं रखने वाला हूँ नो डाउट बेताल पे भाई ये रहेगा। गाइस निकल चुका हूं भाई घर के लिए और यहाँ पे भाई लोगों का ना तगड़ा रिएक्शन आ रहा है। अपना कलर कुछ प्लान ऐसे कि भाई कलर देने वाले बेताल को सर्विस पे, तो हम जाएंगे मोहित भाई जाएंगे और हैशटैग साथ जाएंगे क्योंकि इसके इंजन का साउंड का प्रॉब्लम फिक्स करना भाई बहुत टाइम हो गया है, तो इसके इंजन को प्रॉब्लम को अब हम सही चाहते हैं कि भाई इसका बिल्कुल ठीक हो जाए। साउंड अभी भी आ रहा है, मैंने चेक किया, तो जब तक गाइस सर्विस सेंटर वाले बोलते नहीं कि भाई आप हमारे यहाँ सर्विस करा इसके प्रॉब्लम को हम फिक्स आउट कर देंगे, जब तक भाई वहाँ पे अपनी गाड़ी मैं दूंगा नहीं क्योंकि हर बार का भाई इनका ड्रामा हो गया है कि बोलते कि भाई ऐसे ही रहेगा साउंड जाएगा नहीं। तो इस बार भाई हम कुछ ना कुछ गाइस अपनी तरफ से ना भाई फुल एफर्ट डालने वाले हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे साउंड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई नई एंटॉक में साउंड आता ही नहीं है या फिर पुरानी भी हो साउंड नहीं आता है जो मेरे में आ रहा है। मैं आपको सुना दूंगा कल ही सुबह सुबह कि किस तरीके का साउंड है एंड बाकी जिनको भाई को पता हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है गाइस कि कैसा साउंड आता है इसके अंदर। वो ना हाई स्पीड पर जब खाली रोड पर चलोगे ना हाईवे पर बहुत ज़्यादा इरीटेशन करता है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये साउंड अब और है। मैंने 3000 किलोमीटर इसको और भाई हैंडल कर लिया, अब मेरे से नहीं होगा इसका साउंड। कल गाइस तगड़ा करने वाले भाई सर्विसेज का करवाएंगे अच्छे से, आप लोग का सपोर्ट चाहिए आराम से। अंकल नहीं दीदी है चलो जो भी है। कल क्या है कि भाई कोई अगर सर्विस ऐसा नहीं करेगा ना तो भाई उसका रिव्यू सिस्टम गाइस आप लोग हिला के रख देना, वो लोग इतना भाव खाते हैं ना भाई, जैसे कि वो लोग गाड़ी मुझे फ्री में दिए हो। तो एक अली बात करेंगे भाई, अभी छोड़ो चलते सीधा घर हो भाई, इनसे थोड़ी सी दूरी रखो। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूं, सर्विस वाले वीडियो कल मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जाऊंगा, जल्दी जल्दी जाके जल्दी सर्विस करवाएंगे ताकि अपना जल्दी हो जाए, वरना वो लोग बोलते कि भाई 2-3 दिन तक रोको, तो मैं एक दिन के अंदर करवाऊंगा, गाड़ी छोड़ के नहीं आने वाला। पिछली बार भी कुछ ऐसा किया था वो कल ही बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूं, होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ गाइस आपको फॉक्स लाइडर इसके कैसे लगे जो कि हम इंस्टॉल करवाए आज बेताल के ऊपर। लुक नो डाउट भाई किलर लुक आ रहा है। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।